आज गोरिंदा थाना का आकस्मिक निरीक्षण था, जिस दौरान गोरिंदा थाना का भ्रमण किया गया और थाना परिसर का एक निरीक्षण किया गया और यहाँ की अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति का जायजा लिया गया। और आप लोगों के माध्यम से मैं शहरवासियों को, जोधपुर वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपील करता हूँ कि शांति से इस पर्व को मनाएं और शराब का सेवन करके गुंडागर्दी करना, बदमाशी करना इसे ना करें और पुलिस को भी सख्त हिदायत है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है। सर, आपके ग्रामीण एसपी रहते हुए आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होगी इस क्षेत्र में शांति व्यवस्था को लेकर? जैसे अपराध को लेकर जो संगठित अपराध की जो बात आ रही है वो एक पहली प्राथमिकता है। जहाँ विभिन्न ऐसे आपराधिक गैंग्स की बात आई है जो कि ड्रग्स की तस्करी, आर्म्स की तस्करी और गैंगवॉर जैसे अपराध कर रहे हैं, तो इन चीज़ों के गठजोड़ को तोड़ना जो है वो एक मुख्य प्राथमिकता है। सर, आमजन को पुलिस के साथ जोड़ने को लेकर क्या ध्येय रहेगा? सर, देखिए लगातार हम लोग कम्युनिटी पुलिसिंग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं और विभिन्न माध्यम से लोगों को जोड़ रखा है। सीएलजी ग्रुप है, पुलिस मित्र है, सुरक्षा सखी भी है और हम अपना नंबर्स भी जो है आमजन को दे रहे हैं ताकि कोई भी जो सूचना है वो हम तक भेजे और उनकी सूचनाओं को गोपनीय रखा जा रहा है। और जहां अच्छा कार्य लोग कर रहे हैं उनको हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। आमजन और मीडिया से ये अपील है कि हमारा सहयोग करें और अगर आप हमारा सहयोग करेंगे तो पुलिस अच्छा कार्य करेगी। सर, कोई व्यक्ति विशेष अगर मान लो कोई अपराध की जानकारी आप तक पहुंचे उसके लिए उसका नाम गुप्त रखा जाएगा या से? बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और मैंने अपने मोबाइल नंबर्स भी मीडिया के माध्यम से दे रखे हैं, जो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं और उनका नाम मेरे तक ही सीमित रहता है। जो सूचना वो देते हैं मैं जरूर आगे भेजता हूँ, बट उनका नाम गोपनीय रहता है। सर, आपकी टीम पुलिस को आपके लिए क्या संदेश रहेगा? पुलिस के लिए ये है कि बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अगर अपराधियों में हम लोग भय स्थापित करते हैं तो आम जन में विश्वास खुद ही डेवलप हो जाता है और जो अच्छा कार्य करेंगे उन्हें पुरस्कृत करेंगे, आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिलाएंगे और साथ ही साथ वैसे पुलिसकर्मी जो बहुत बार अपने राह से भटक जाते हैं उनको भी मैं कहूँगा कि साथी पुलिसकर्मी सही राह पर लाएं और अगर वैसे बातें आती हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की। सर, बेहतर पुलिसिंग को लेकर आपका क्या एग्जाम्पल रहेगा? देखिए करना तो काम टीम को ही है जी, तो मैं आशा करता हूँ कि जो मेरी टीम है मुझ पर भरोसा रखेगी और टीम के भावना से मिलजुल कर अच्छा कार्य करेगी और अच्छा कार्य करने वाले पुरस्कृत होंगे, उनका मनोबल भी बढ़ाया जाएगा और बिना किसी भय के मैं चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिसकर्मी है वो कार्य करें और उनको अच्छे पुलिसकर्मी जो अच्छा कार्य कर रहे होंगे उनको पूरा सपोर्ट सिस्टम का मिलेगा। थैंक यू।